ये जो सामने में नजर आ रहा है ये है महुआ डार, जहाँ पे हमें जाना है। तो अभी ऊपर में चढ़ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक वाली चढ़ाई है। देखो पूरा पत्थर में पैर रख जा रहा है आनंद। यहाँ से जो नजारा आ रहा है ना A1, फिर से नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। हेलो नमस्ते जोहादी से सोनिक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRN ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम जा रहे हैं महुआ डार, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत ही हीट हो रही थी, ओवरहीट, तो इसकी सर्विसिंग बहुत दिनों से नहीं हुई थी, इसकी मोबिल भी बहुत ज़्यादा ही जल चुकी है। तो जा रहे हैं गाड़ी का सर्विस करवाने के लिए, और अभी शाम का टाइम है तो अभी महुआ में रहेंगे घर में, उसके बाद कल मॉर्निंग में गाड़ी का सर्विस कराएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, दो लोग हम हैं और आनंद जो कि ट्रैक्टर में बैठा हुआ है पीछे में। हाय गाइस। तो दोनों जन अभी जा रहे हैं महुआ डार, और काफ़ी खूबसूरत सी शाम हो रही है, आज धूप ढल चुकी है, लेकिन यार माउंटेन से देख रहे ना नीचे का व्यू काफ़ी प्यारा आ रहा है, पूरा क्लीन नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे पेड़ पौधा होने की वजह से ना पूरा व्यू जो है ब्लॉक हो चुकी है, तो वो नज़ारे आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा दिखाएंगे। रास्ते का मजा लेते हुए जा रहे हैं, और ट्रैक्टर से जाने का हालत तो आप समझ ही सकते हो क्या हालत हो रही होगी हमारी, और रोड की कंडीशन तो आप देख ही चुके होंगे पिछले वीडियो में भी, ऐसी रोड है, पत्थर वगैरह निकली हुई है। तो जाते हैं धीरे धीरे, और क्या बोले। तो देख रहे हो ना रोड की हालत, ऐसी रोड है, और अभी ट्रैक्टर की केवल इंजन है जिसके कारण कि ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ रहे, आराम से उतर रहे हैं, लेकिन जो हालत हमारी हो रही ना पूरा उथल पुथल होके परेशान हो जा रहे हैं यार। और ये दोनों हाथ में पकड़ा हुआ है, बिना पकड़े कोई सहारा नहीं है यहाँ पे, और सीट से हम आगे मूव हो रहे हैं क्योंकि ढलाने इतनी ज़्यादा है ना। और यार देखो रोड, क्या बोले यार, रोड ऑफ रोडिंग एडवेंचर, असली एडवेंचर हमारी हो रही है ट्रैक्टर में, जो कि पूरा शरीर हिला दे रही है। अगर हम वीडियो बनाते बनाते जाएंगे ना तो ये रास्ता आधा घंटा लगती है, तो हमें लगेगी एक घंटा। और फिर ट्रैक्टर को यहाँ पे खड़ा कर चुके हैं, और हम सोच रहे हैं ना कि अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर से जो नज़ारा है नीचे का वो नज़र आएगी, पहले कभी नहीं गए ऊपर में, आई डोंट नो कि कैसा नज़ारा आएगी या फिर ब्लॉक कर देगी पेड़ पौधा, चल के ट्राई करें एक बार। चलो चलो, तो गाड़ी यहाँ छोड़ देते हैं और अभी चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर में। हम शाम तक हमें पहुँचना है घर, और ज़्यादा दूर नहीं है, तो आराम से जाएंगे घूमते फिरते, वीडियो बनाते और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने की हमारी कोशिश है, बट सफल हो पाते हैं या फिर नहीं आई डोंट नो। अगर अच्छा अच्छा नज़ारे हम शूट कर पाए तो ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगी, अगर नहीं हम देख पाए तो भाई चल सीधे चले, चलो चलो खड़ी चढ़ाई में चढ़ेंगे अभी। ओहो, यहाँ सीधा का नज़ारा तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है ना, चलो कुछ तो दिखा पा रहे हैं आप लोग को। हाँ देखो ट्रैक्टर हमारे वहाँ रोड में खड़ी है, और इधर देखो माउंटेन। तो यहाँ से तो नज़ारा काफ़ी बढ़िया आई, बट यहाँ से पूरा छेछाड़ी वाला एरिया, मतलब यहाँ से ना इस साइड से कौन लोध गाँव दिख नज़र आ रही है। तो अभी जा रहे हैं दूसरे छोर में, जिधर से कि हमें नज़ारा
दिख सके, बट यार इधर क्या देख रहे थे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ है जिससे कि पूरा व्यू ही ब्लॉक हो गया है। वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से तो नज़ारा दिख रहा है बट यहाँ यार इधर बहुत ज़्यादा ही पेड़ है जिसकी वजह से कि नज़र छुप जा रही है नज़ारे, और ऐसे हम उतर के जाना पड़ रहा है हमें। इधर सही में किधर गया तू, क्या बात है भाई, यहाँ पे दिख रही है बट पेड़ की छोटे छोटे छेदों से मेढ़हारी का वो दिख रहा है। मेढ़हारी नहीं रहे मिर्गी वाला नज़ारे तो काफी जबरदस्त आ रही है यहाँ से, पेड़ की वजह से थोड़ी ब्लॉक हो जा रही व्यू, तो कोई बात नहीं। ये है ना, इससे छोटे छोटे छेदों से जूम करके दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते कितने ज़्यादा है हिल रही है। और यहाँ पे हम खड़े हैं, सूरज की रोशनी सीधे हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा चमक रहा है। यहाँ से नज़ारा तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, तो यहाँ की जो व्यू है ना पेड़ पौधों से ब्लॉक हो जा रही है जिसकी वजह से कि आपको अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम जब हम फ्री हो जाएंगे ना तो दिख रहा है वहाँ पे एक पहाड़, तो वहाँ पे एक गांव है ऊपर के साइड में, तो वहाँ पे आने के लिए ऊपर से रास्ता है, तो वहाँ पे जाके हम पूरा एरिया का नज़ारा दिखाएंगे। वो दिन भी ज़्यादा लेट नहीं है, बहुत जल्दी हम वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ से वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन अभी हम नीचे उतरते हैं पहाड़ी से, गाड़ी के पास जाते हैं फिर नीचे अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो आनंद तो पहले पहले उतरना शुरू कर दिया है, और यहाँ से यार देखो काफ़ी प्यारा सा लोकेशन है, यहाँ से बादल भी देखो आसमान में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, और नीचे में ग्रीन माउंटेन, कितना प्यारा सा कॉम्बिनेशन है ना ऐसा। सुबह ही जल्दी 9 बजे तक पहुंच चुके थे हम गैरेज में, और ट्रैक्टर खुल चुकी है, ट्रैक्टर को सर्विस करवाना है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं इसमें, कुछ ज़्यादा काम नहीं करवाना है, कल सर्विस कराना है, मोबिल चेंज करना है, फिल्टर चेंज करना है, उसके बाद काम हो जाएगी। तो गाड़ी ओवरहीट हो रही थी जिसकी वजह से कि रेडिएटर यहाँ पे वॉश हो रही है जिसमें बहुत कचरा फंसा हुआ है, और ये लोग मार्केट से भी आ रहा है, मार्केट गया घूमने के लिए, क्या है Thank you.
गैरेज में जाने के बाद गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है, जो कि उसमें चेंज करना था मोबिल कूलेंट वगैरह, तो रेडिएटर में बहुत ज़्यादा ही कचरा फंस गई थी, जिसकी वजह से कि गाड़ी ओवरहीट हो रही थी क्योंकि वहाँ पे हवा पास नहीं हो रही थी। तो गाड़ी भी बन चुकी है अभी और शाम हो चुकी है। जब गैरेज से निकल कर आ रहे थे घर, तब बारिश शुरू हो गई थी आना, और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं पाट बोले तो गांव, तो गांव जाते हैं और अभी ट्रैक्टर में जाने वाले हैं। तो यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं दूसरे घर पे। तो अभी ट्रैक्टर में अपनी सामान सेट कर रहे हैं, दो यहाँ पे है, दो बॉक्स जिसमें है दवाई छींटने की मशीन, और संजय अभी पानी वगैरह साफ कर रहा है, और हमारा साउंड सिस्टम खोल के रखे हुए थे तो अभी इसे छोटू सेट कर रहा है। और अभी घर के पास गाड़ी खड़ी है, अभी थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगे हम सीधे रोड में होते हुए जो सामने माउंटेन दिखाई दे रहे ना छोटा छोटा वहाँ पे।